Hello students, let's read what the problem is. Two diametrically opposite points of a metal ring are connected to two terminals of left gap of a meter bridge. तो हमारे पास एक रिंग है सर्क्युलर शेप की. द एंटायर लेंथ इज एल एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंप्लीट लूप इज आर. करेक्ट. तो इसके जो सर्कमफेरेंस की हम लेंथ मेजर करें तो इट इज एल और उसका रेजिस्टेंस होगा आर. अब इस रिंग को हमने फिट किया है मीटर ब्रिज के लेफ्ट एंड में बाय सिलेक्टिंग टू पॉइंट्स विच आर डायमेट्रिकली अपोजिट. करेक्ट. तो अब ये रिंग जो है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हुई, अपर हाफ एंड लोअर हाफ. अपर हाफ की लेंथ होगी एल बाय टू, लोअर हाफ की लेंथ होगी एल बाय टू. नाउ वी नो दैट रेजिस्टेंस एंड लेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो अगर लेंथ हाफ हो जाए तो रेजिस्टेंस भी हाफ होगा. सो अपर पार्ट का रेजिस्टेंस होगा आर बाय टू, लोअर पार्ट का रेजिस्टेंस होगा आर बाय टू. हाउ दिस टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड. मान लो यहां से अगर करंट आए तो करंट विल स्प्लिट इन टू टू पार्ट. सो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो उन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा विल बी आर पी. गॉट इट. इन द राइट गैप अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज इंट्रोड्यूस्ड. इफ द नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड. तो बैलेंसिंग पॉइंट है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम विच एंड द लेफ्ट एंड. तो राइट एंड से जो बैलेंसिंग पॉइंट होगा विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर. गॉट इट. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बेंट इन द शेप ऑफ रिंग. तो हमें इस पूरी रिंग का रेजिस्टेंस ढूंढना है. सो योर टास्क इज टू गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर. गॉट इट. एज आई सेड कि ये दोनों पार्ट्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं. बैलेंसिंग कंडीशन होती है रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप डिवाइड रेजिस्टेंस इन द राइट गैप इज इक्वल्स टू लेफ्ट बैलेंसिंग लेंथ डिवाइड राइट बैलेंसिंग लेंथ. ओके. सो वील हैव द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज आर पी डिवाइड रेजिस्टेंस इन द राइट गैप इज 15 इज इक्वल्स टू 40 ओवर 60 विच इज 2/3. So RP will be 2/3 multiplied 15, that is 10 ohm. But we know that if n identical resistors are connected in parallel, then we can use direct shortcut RP as R divided by n. तो हमारे पास दो रेजिस्टर्स है. अपर ब्रांच का रेजिस्टेंस R by 2, लोअर ब्रांच का रेजिस्टेंस इज also R by 2. Both are identical. Correct. How are they connected in parallel? So equivalent resistance RP will be individual resistance hai R by 2 divide number of resistors which is 2 is equals to 10. 2 will shift in the denominator. 2 2s are 4. So R by 4 is 10 and therefore R is equals to 40 ohm. So the resistance of the complete ring is equals to 40 ohm. Got it? Let us look at the another problem. Two coils are connected in series in one gap of a meter bridge. तो हमारे पास दो coils हैं. हमने उन दोनों coils को series में connect किया है in the left gap. So equivalent resistance will be RS which is R1 plus R2. Right? And the null point is obtained in the middle of the wire by placing 75 in the other gap. तो right gap में हमने resistance place किया है 75. So where is the null point? Exactly at the middle. So dividing ratio होगा 50:50. तो अगर हम balancing equation apply करें तो we'll have RS over 75 is equals to 50/50 which is 1:1. Correct. तो we can write RS is 75. लेकिन RS कैसे find out करेंगे? R1 plus R2. Why? Because they are connected in series. You got it? I'll mark this as equation number 1. अब रीड करते हैं सेकेंड पार्ट विच इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. सो यहां तक हमने केस वन के साथ डील किया. टू कॉइल्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल. तो इन्हीं दो कॉइल्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया. अब एक बात याद रहे कि सीरीज में रेजिस्टेंस इंक्रीज बट इन पैरेलल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. आई एम टॉकिंग अबाउट नेट रेजिस्टेंस. गॉट इट. सो पहले हमने सीरीज में कनेक्ट किया था. नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट देम इन पैरेलल. सो आई एम रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द लेफ्ट गैप. Correct. And the null point is obtained again in the middle of the wire. The resistance in the other gap is changed by 57. Remember, it is not changed to 57. It is changed by 57. अब यहाँ पे दो possibilities बनते हैं. सबसे पहले दो coils को हमने series से हटा के parallel में connect किया. तो अब equivalent resistance होगा RP. फिर से हमें बैलेंसिंग मिडल में ही लाना है. सो डिवाइडिंग रेशियो 50:50 होना चाहिए.
इट इज सेड दैट रेजिस्टेंस इन द राइट गैप इज चेंज्ड बाय 57. तो यहां से दो पॉसिबिलिटी बनते हैं, नंबर वन 75 प्लस 57 एंड नंबर टू 75 माइनस 57. अब ये कैसे डिसाइड करें? तो याद रखिए बैलेंसिंग हमें मिडल पे ही रखना है. पहले यहां पे सीरीज कनेक्शन था, वो हटा के हमने पैरेलल किया. सो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. सो अगर एलएचएस का रेजिस्टेंस हम डिक्रीज कर रहे हैं तो हमें आरएचएस का भी रेजिस्टेंस डिक्रीज करना होगा, सो दैट बैलेंस रिमेन एट द मिडल. करेक्ट. तो अगर आरएचएस का रेजिस्टेंस हमें डिक्रीज करना हो देन द करेक्ट कॉम्बिनेशन विल बी 75 माइनस 57 एंड नॉट 75 प्लस 57. करेक्ट. तो अब बैलेंसिंग इक्वेशन डिजाइन करते हैं. एलएचएस रेजिस्टेंस इज आरपी, आरएचएस 75 माइनस 57 इज 18, बैलेंसिंग 50:50 दैट इज 1:1. करेक्ट. तो वी कैन राइट आरपी इज इक्वल टू 18. नाउ इफ टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल वी कैन यूज द डायरेक्ट शॉर्टकट एज प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम. सो आर वन इंटू आर टू डिवाइड आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू 18. Got it. But what is the value of R1 plus R2? It is 75. So we can write R1 into R2 divide 75 is equals to 18. So cross multiply karo. So you will get R1 into R2 as 1350. So from here we can write R2 as 1350 divided by R1. Ab is equation ko hum substitute karenge reason number 1 mein, which is R1 plus R2 is 75. So R2 ke badle hume likhna hai 1350 over R1. So the new equation will be R1 plus instead of R2, 1350 over R1 is equals to 75. Correct. So if you take LCM, you will get R1 square plus 1350 is 75 times R1. Right. 75 R1 you shift in the LHS. So you will get quadratic equation R1 square minus 75 times R1 plus 1350 is equals to 0. Got it. Now, if you solve this quadratic equation, you will get the roots of the equation as 45 and 30, right? So therefore, the value of R1 will be either 45 ohm or 30 ohm. Agar R1 ki value 45 ohm ho, to R2 hoga 30. Aur agar R1 30 ohm hoga, then the value of R2 will be 45. So that their addition is 75 ohm. Are you clear?